आज पर अलग से निशस्त में एक बज्म हुई थी, तो पाश के बारे में किसी भी भूमिका की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे पेश करती हूँ उनकी कविता हाथ। मैं अपने जिस्म को हाथों से संभाल सकता हूँ, मैं अपने जिस्म को हाथों से संभाल सकता हूँ। मेरे हाथ जब महबूब का हाथ मांगते हैं पकड़ने को, तो मैं चांद भी हाथों में पकड़ना चाहता हूँ। मेरे हाथों को लेकिन सीखचों का स्पर्श बिना शिकवा मुबारक है। साथ ही कोठरी के इस अंधेरे में मेरे हाथ नहीं होते, सिर्फ थप्पड़ होते हैं। हाथ मिलाने पर पाबंदी सिसकती रह जाती है। जब अचानक कोई साथी सामने आ जाता है, हाथ खुद ब खुद मुक्का बनकर लहराने लगते हैं। हाथ मिलाने पर पाबंदी सिसकती रह जाती है। जब अचानक कोई मेरा साथी मेरे सामने आ जाता है, हाथ खुद ब खुद मुक्का बनकर लहराने लग जाते हैं। दिन हाथ खींचता है तो रात हाथ बढ़ाती है। कोई हाथ छीन नहीं सकता इन हाथों का सिलसिला। कभी दरवाजे की पांचों की पांच सलाखें बन जाते हैं कोई मेरे बड़े प्यारे हाथ। एक हाथ मेरे गांव के बुजुर्ग तुलसी का, जिसकी उंगलियां वर्षों को गूंथ गूंथ कर इतनी थकी कि मुझे पढ़ाते हुए उर्दू के पहले सबक बन जाता था उनका अलिफ कतर। एक हाथ जगीरी दर्जी का, जो कभी भी मुझे जांगियां सिलकर देता तो ले लेता था पारिश्रमिक में मेरे कान मरोड़ने का काम। और ये जानते हुए भी कि मैं उलट करने से बाज नहीं आऊंगा, नसीहत देता था। पशुओं के साथ पोखर में ना घुसाकर बचकाने खेल खेलने से बाज नहीं आएगा क्या? एक हाथ प्यारे नाई का, जो काटते हुए मेरे केश डरता रहता था मेरे सिख परिवार से। एक हाथ मरोदाई का, जिसके हाथ में था जैसे कोई रिकॉर्ड, जो सदा राग जागाता रहता, जीते रहो जागते रहो बेटे। और एक हाथ दरसू दिहाड़िए का, जिसने पी ली थी आधी सदी रख कर हुक्के की चिलम में। मुझसे कोई नहीं छीन सकता इन हाथों का सिलसिला। हाथ जेबों में हों या बाहर, हथकड़ी में हों या बंदूक के कुंदे पर, हाथ हाथ होते हैं और हाथों का एक धर्म होता है। हाथ यदि हों तो जोड़ने के लिए ही नहीं होते, न दुश्मन के सामने खड़े करने के लिए ही होते हैं, ये हाथ मरोड़ने के लिए भी होते हैं। यदि हाथ हों तो हीर के हाथ से चूरी पकड़ने के लिए ही नहीं होते, सैदे की बारात रोकने के लिए भी होते हैं, कैदों की कमर तोड़ने के लिए भी होते हैं। हाथ श्रम करने के लिए ही नहीं होते, शोषक हाथों को तोड़ने के लिए भी होते हैं। जो हाथों का धर्म भंग करते हैं, जो हाथों के सौंदर्य का अपमान करते हैं, वो पंगु होते हैं। हाथ तो होते हैं सहारा देने के लिए, हाथ तो होते हैं हुंकारा भरने के लिए। पाश।